ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब शो के जज अनिल जी से गुजारिश है कि वो नतीजे अनाउंस करें। जज साहब, चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो इसलिए हमारा आज का ये शो, जो हमारा ये एक अभियान चल रहा था MLA उत्सव ऐसा, ये अंतिम शो है। और ये अंतिम शो बहुत बढ़िया शो रहा। तमाम जो प्रतिभागी थे उन्होंने अपनी जितनी क्षमता थी, जितनी जानकारी थी, जितने वायदे वो कर सकते थे, जितने तर्क उनको आते थे, उन सबको इस्तेमाल किया और अपनी अपनी बात कही। निश्चित तौर पर एक ऐसा शो था कि जो एक यादगार शो रहेगा, क्योंकि सभी ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट कभी भी आए, तो एक अजीब सा उत्साह होता है, एक उमंग सी होती है, एक दुखदुखी भी होती है कि पता नहीं क्या होगा। निश्चित तौर पर आज भी ऐसा हो रहा होगा। हमारे शो का विजेता कोई एक ही होगा, बाकी चार उपविजेता होंगे। आप विधायक बनेंगे तब बनेंगे जब आप क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे। जो आपने बातें यहाँ कहीं, जो वायदे आप लोगों से करेंगे, उन वायदों को आप पूरा करेंगे, उनके दुख के साथ दुखी होंगे, उनके पाँव के साथ अपने पाँव की गति मिलाएंगे। हमारा जो आज का शो था उसमें 55% अंक लेने सबको अनिवार्य थे आगे बढ़ने के लिए। 5 की 5 जो प्रतिभागी हैं, आपके 55% से अधिक अंक रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई। एक स्थान पर टाई हुआ है, पहले स्थान पर नहीं टाई हुआ। अगर पहले स्थान पर होता तो शायद एक राउंड और चलता। दूसरे स्थान पर टाई हुआ है, वह बाद में बताऊँगा कहाँ हुआ। चौथे स्थान पर जो रहे हैं उनको 66.2% अंक मिलते हैं। राजे यादव, आप चौथे स्थान पर हैं, आपको बहुत बधाई। ऋषिराज राणा ने 74% अंक लिए हैं और आप तीसरे स्थान पर हैं। इस शो का आप ये देखिए कि 74% अंक लेकर तीसरे स्थान पर प्रतिभागी रहा ऋषिराज राणा, जबकि हमने ऐसे भी कई शो किए हैं कि जहाँ प्रथम स्थान पर 66, 67 या 68 अंक मिले हैं। तो ये जो डिलीवरी रही आज, जो कंटेंट था आज के शो का, वो निश्चित तौर पर बड़ा उम्दा और एक उच्च स्तर का कंटेंट था। ऋषिराज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जो विजेता हैं आज के शो के, उन्होंने 83.8% अंक लिए हैं और आज के शो के विजेता हैं कमल यादव, आपको बहुत बधाई। देवराज जी और राकेश जी दोनों दूसरे स्थान पर रहे संयुक्त रूप से और आपको 77.2% अंक आप दोनों को मिलता है, आपको बहुत बधाई। तो आखिरकार बादशाहपुर हलके का MLA हो तो ऐसा, खबरें अभी तक ने चुन ही लिया। अब खबरें अभी तक के एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर आएं और बादशाहपुर के विजेता साथ ही उप विजेताओं को सम्मानित करें और साथ में अपनी शुभकामनाएं भी दें। इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ राजे यादव जी, आपको आप आइए और जोशी जी से ये सर्टिफिकेट लेकर अपना सम्मान हासिल कीजिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ढेरों शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। ऋषिराज राणा जी, अब आप आए ये सम्मान हासिल कीजिए। ऋषिराज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। उप विजेता के तौर पर राकेश दौलताबाद जी, अब आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और ये सर्टिफिकेट लेकर सम्मान हासिल कीजिए जोशी जी से। आपको बधाई, शुभकामनाएं। अब आप अपनी जगह ले सकते हैं, तशरीफ रखें आप। बेगराज यादव जी, अब मैं आपको आमंत्रित करती हूं, आप आइए और जोशी जी से ये सम्मान हासिल कीजिए। जी, आप इधर आइए। सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, तशरीफ रखें आप। और अब बादशाहपुर के विजेता कमल यादव जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। जोशी जी से गुजारिश कि वो इन्हें ना सिर्फ सर्टिफिकेट बल्कि मोमेंटो देकर भी सम्मानित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, बहुत शुभकामनाएं है। एक मोमेंटो भी है केरल की ओर से। बादशाहपुर हलके से इन्हें चुना, खबरें अभी तक नहीं ऐसा, जिसे देखा आप कहे भाई MLA हो तो ऐसा। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कमल जी आपकी, राउंड दर राउंड, पहली स्क्रीनिंग की हम बात करें या फिर जूरी राउंड की, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन आपका। ऐसा लगा जैसे मानो संदेश दे रहे हो कि जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष भी।
खबरें अभी तक के एडिट बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पर आए और सम्मानित किया सभी उपविजेताओं को, विजेता को। जज साहब, क्या अब आप एमएलए हो तो ऐसा के बादशाहपुर के विजेता के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? बादशाहपुर के जो विजेता है एमएलए हो तो ऐसा शो के जो अंतिम शो था इस कड़ी का, कमल यादव जी, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ें, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, वो आपको तय करना है। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो चैनल की ओर से आपकी प्रमोशन के लिए एक पैकेज दिया जाएगा विज्ञापन के तौर पर, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिसका कोई चार्ज चैनल नहीं लेगा। तो इसी के साथ एमएलए हो तो ऐसा के बादशाहपुर के फाइनल राउंड में इतना ही। तमाम उम्मीदवारों, जूरी सदस्यों और जज अनिल आर्य जी को यहाँ आने और अपना कीमती वक्त देने के लिए खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया। और चूंकि जज साहब अनाउंस कर चुके हैं, लिस्ट जारी होनी शुरू हो गई है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से, तो यह कार्यक्रम आज यहीं पर समाप्त होता है। इन पंक्तियों के साथ विदा लूंगी कि हो सकता है महफिल को चार चांद ना लगा सकी, मगर जला के चंद दिए जा रही हूं मैं। नमस्कार।